पर देखते हुए, साला कोई आया ही ना अभी तक, मगर देख रहे हैं नहीं कोई आएगा। ये लिखा हुआ है ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में, लिखा हुआ है कि संकट आएगा तो मैं आऊंगा। साला कितना संकट आया हुआ है, संकट का कोई मर्यादा नहीं है, मगर वो आने का नाम नहीं ले रहा, आ नहीं रहा। और अगर आ गया तो वो भी लिखा हुआ है, अगर आ गया तो किसका नाश करने के लिए आएगा? राक्षसों का नाश करने के लिए। और ब्राह्मणों ने पहले ही लिख कर रखा कि राक्षस कौन है, आप लोग राक्षस हैं, ये पहले लिख के रखा। नहीं ये तो आने वाला नहीं है, और अगर आ गया तो राक्षसों का नाश करने के लिए, यानी आप लोग राक्षस हैं। आप लोगों को भी लिखा हुआ है वेदों में, दानव दैत्य राक्षस, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है दानवों का नाश करने के लिए आएगा, दैत्यों का नाश करने के लिए आएगा, राक्षसों का नाश करने के लिए आएगा। एक तो आएगा नहीं, आएगा तो इसका नाश करने के लिए आएगा। तो दानव कौन है, दैत्य कौन है, राक्षस कौन है? तो ब्राह्मणों के धर्म शास्त्रों में लिखा है हम, चले हमारा नाश करने के लिए, ये हमें पता ही नहीं। तो ये वजह है कि संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी हमें कोई अधिकार देने के तैयार नहीं है। संविधान में लिखे हुए हैं सारे अधिकार, मगर लिखी हुई बातों के अधिकार होने के बावजूद भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके लिए हमारी संगठित शक्ति होनी चाहिए। मैं अपने उम्र के 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से लेकर अब तक 65 साल की उम्र हो गई है, 47 साल से काम कर रहा हूं। तो अभी हमारा 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैल गया है सारे देश में। और अभी नागपुर में आरएसएस के विरोध में 2-3 लाख लोग इकट्ठा किए, हजारों गाड़ियां पुलिस वालों ने लगाई, जितने लोग गाड़ी में भरते उससे ज्यादा आ जाते, गाड़ी में भरते उससे ज्यादा आ जाते। इतना शक्ति प्रदर्शन हमने किया नागपुर में, आखिरकार पुलिस कमिश्नर ने डॉक्टर विलास खरात को कहा तुम जीत गए हो, हम हार गए, तुम जीत गए हो, तुम्हारा शिवाजी महाराज का गनीमी कावा जीत गया, हमें पता ही नहीं तुम कहां से आ रहे हो, किधर से, हम गाड़ी में भरते उधर दूसरे आ जाते, उससे ज्यादा आ जाते, ये तुम्हारा गनीमी कावा शिवाजी महाराज का, ये तुम्हारा सफल हो गया है। अरे भाई अब तो बंद करो। पुलिस कमिश्नर परेशान होकर सदर पुलिस चौकी में मुझे मिलने के लिए आए और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा, कहा कि बुलाओ। मैं गया कि आपको क्या करने का आगे इरादा है? मैंने कहा इधर आप लोगों ने मुझे डिटेन करके रखा, मैं यहां बैठा हुआ, मेरा क्या इरादा है? सारा इरादा तो आपका है, आपने लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, मुझे यहां अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपका कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो यहां बैठा हुआ हूं। मैंने तो 4 तारीख को ही निर्णय किया कि आंदोलन जो है वो स्थगित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो हम लोग वो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा शुरू करेंगे। ये बात 6 तारीख को मैं लोगों के बीच में जाकर कहने वाला था, तुमने 6 तारीख को सवेरे ही मुझे अरेस्ट कर दिया, तो मैं कैसे कहूं? तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को कहा कि इनसे एक वीडियो बनवाओ कि लोग शांति से आंदोलन करें संविधान के दायरे में रहकर। मैंने कहा ये तो मैं बनाने को तैयार हूं, मैं तो पहले से कह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लाखों की भीड़ में एक 4-व्हीलर गाड़ी मिल आ गई बीच में, तो
हमारे लोगों ने उस गाड़ी को उंगली भी नहीं लगाई। नहीं तो लाखों की भीड़ में जब गाड़ी मिलती है तो आम तौर पे लोग आग लगा देते हैं। प्रेस वाले आए, पत्रकार आए, अरे क्या देख रहे हैं वो, जलाओ। आरएसएस के पत्रकार हमारे लोगों को कह रहे हैं, अरे क्या देख रहे हो, जलाओ, क्यों नहीं जला रहे हो। हमारे आदमी ने उसका वीडियो बनाया, ये पत्रकार कह रहा जलाओ। इसके बावजूद भी जो मैंने कहा था कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जो है हमारा हुआ और किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बाद में पुलिस कमिश्नर ने, जब मैंने वीडियो बना दिया, तब असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को दोबारा मेरे पास भेजा और कहा वामन मेश्राम को कहो वो लाखों की जो भीड़ है ना वो हमारी सुन नहीं रही है, वहां 5 मिनट चल के उनके सामने 5 मिनट बोल दे। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए, 5 मिनट आप चलिए लोगों के भीड़ के सामने आप 5 मिनट है, ये वीडियो मैंने बना दिया है, बस इतना ही मैं करता हूं, बाकी मैं वहां नहीं आने वाला हूं, तुमने मुझे इधर डिटेन करके रखा, और डिटेन करके लेके जाओगे और डिटेन करके भाजन करवा, अजीब आदमी हो भाई। तो वहां हंगामा शुरू हो गया, मेरा वीडियो लोगों ने सुना कि ठीक है, मगर वामन मेश्राम को छोड़े बगैर हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जब ऐसा दूसरा आंदोलन शुरू हो गया, जब ऐसा हुआ तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मैंने कहा अब तो मैंने शांति का अपील कर दिया, वो लोग बोल रहे कमिश्नर को वामन मेश्राम को छोड़ो, तो छोड़ने के बाद ही मामला खत्म होगा। तो कमिश्नर ने फौरी छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा अभी 2 बज गए, खाना खिलाए बगैर कैसे भेजोगे भाई, खाना अभी तक नहीं खिलाया आप लोगों ने, पुलिस चौकी में खाना खिलाना पड़ता है। तो पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आए मेरे पास कि क्या खाओगे, हल्दीराम भुजिया वाला खाओगे, ऐसा भुजिया कोई खाने की चीज है नहीं, ब्रांड ये हल्दीराम भुजिया वाला नाम का ब्रांड है, बेहतरीन खाना है। अच्छा हल्दीराम भुजिया वाला, मैंने कहा ठीक है हल्दीराम भुजिया वाला कोई प्लेट है तो भेजो, वो खाने के बाद जाएंगे अपने इच्छा से जाएंगे। तो खाना खाने के बाद 8-10 गाड़ियों को लेकर फिर जहां से रिटेन किया था वहां छोड़ दिया। जब कमिश्नर मुझे मिलने के लिए आया था 200 कमांडो के सुरक्षा करके आया था, पता नहीं सारे लोग इनके करीब मिलेंगे और मुझे घेर लेंगे, तो 200 कमांडो का फोर्स लेके आए, इतना डरा हुआ था। साथियों सारे देश भर में लोग आरएसएस के डरते हैं, जब मैंने ऐलान किया मोर्चा लेके जाऊंगा तो आरएसएस के हेडक्वार्टर को 150 स्टेट रिजर्व पुलिस के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मोहन भागवत ने सरकार को कहा कि इसमें तो ये नागपुर के लोग है, इसमें तो वामन मेश्राम के लोग होंगे, वो भी इधर का रहने वाले हैं, ये तो प्रोटेक्शन कम करेंगे और हम इसका ही साथ देंगे। तो कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस लगाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का CISF लगाए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लगाया। उसके बाद भी हमारे लोग जब नहीं माने तो 70 कमांडो रखे हुए वहां। तो मैंने कहा अरे हमारे 500 लोगों ने तुम्हारे 28,000 पेशवा लोगों को भीमा कोरेगांव में मारा था, अरे 150 लोगों का क्या होगा भाई, तुम जानते नहीं हो इतिहास। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आरएसएस वाले भारत में सभी को डराते थे वो मेरे को डरते थे, समझे क्या मौलाना, आप लोग जो आरएसएस को डरते हो ना, अब आज से डरने की जरूरत नहीं, खुली छूट है आपको। अगर आपको आरएसएस डराने की कोशिश करे तो हमारे लोगों को ब्राह्मण कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़, तो तुम हनुमान चालीसा नहीं वामन 41वां पढ़ो, खत्म हो गया। सारे देश भर में जो डर था आरएसएस का खत्म हो गया।
अब आरएसएस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आरएसएस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस का हम लोगों ने बंदोबस्त किया, अब आरएसएस के लोग कोई गड़बड़ी करेंगे उनका हर जगह बंदोबस्त करेंगे, हर जगह उनकी व्यवस्था करेंगे। साथियों, मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि इस देश में हमने आज इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। संगठन शक्ति के बल पर यह किया गया है, इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया, ये जो मैं करने में कामयाब हो गया ये संगठन शक्ति के बल पर किया। अगर ये संगठन शक्ति के बल पर संभव है तो कुछ भी आने वाले समय में संभव है। अब आखिरी बात कहता हूं, 10 साल 2030 तक, 10 साल में 6.5 लाख गांव में से 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। मेरी आवाज केवल लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, अगर आवाज पहुंच गई हमारे लोगों के पास तो हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है आवाज गांव गांव पहुंचाओ। अगर लोग खड़े हो गए, समर्थन हो गए, अगर समर्थन में खड़े हो गए तो 6 लाख गांव का आंदोलन 10 साल में खड़ा हो जाएगा। जब 10 साल में 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के लिए ये सारा का सारा मामला चल रहा है। इसलिए अगर गुजरात में अभी चुनाव है वो भी उसी रणनीति का हिस्सा है, तो आप लोगों को चुनाव में भी अपने ताकत का प्रदर्शन करना है, चुनाव में भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है। वो ताकत जो तुम्हारे पास नहीं थी 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अंबेडकर ने आपको दी, आपको वो अधिकार दिया, उसका आपको उपयोग करना है, सारे देश भर में उपयोग करना है। और अगर ऐसा आप करोगे तो आपको अपने संगठित शक्ति के बल पर वो सारी बातें आपको हासिल हो जाएगी, वो सारी शक्ति आपको हासिल हो जाएगी। वो आपको करना है, वो करने के लिए आपके पास जो समझदारी है, जो जानकारी है, उसका आप लोग उपयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से